पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये अंजाम नहीं आगाज है जंगूरा, याद रखो कि धरती के सीने में उबलते हुए लावे की तरह ये बगावत सारी जनता के दिलों में खोल रही है और एक दिन ये ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगी। बॉलीवुड में कई बार ऐसा हुआ है कि जो नाम पिता ने किया वो नाम उनके बेटे ना कर पाए, और कुछ काम जो बेटे ने कर दिया वो पिता ना कर पाए। मैं आपको तलवार चलाना सिखा सकता, आपके इरादे चट्टानों की तरह मजबूत, मैं चट्टानों से गांव के गेट देख किला बना सकता। इंसानियत के जिस झंडे तले मातृभूमि की आन पर मर मिटने वाले ऐसे शेरों जैसे सपूत मौजूद हो, मैं उस झंडे को सितारों से ऊंचा उठा सकता। इसी फहरिस्त में नाम आता है देवानंद साहब और कल्पना कार्तिक जी के बेटे सुनील आनंद का। सुनील आनंद का जन्म हुआ 30 जून 1956 में। ऐसा बताया जाता है इनका जन्म स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में हुआ। ये वो टाइम था जब इनके माता पिता कार्लोवी वेरी फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा थे। सुनील आनंद ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली। इनके ताऊ और चाचा भी फिल्मों का ही हिस्सा थे, चेतन आनंद और विजय आनंद। इनके कजिन्स हैं केतन आनंद, विवेक आनंद और शेखर कपूर। इनकी दो कजन बहनें हैं नीलू और अरुणा। नीलू की शादी हुई एक्टर नवीन निश्चल के साथ और अरुणा की शादी हुई एक्टर परीक्षित साहनी के साथ, जो कि जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के बेटे हैं। सुनील आनंद की ट्रेनिंग हुई विंग सुन हांगकांग में। इनके फिल्मी करियर की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि अपने पिता के साथ ये नजर आए थे फिल्म आनंद और आनंद में, उसके बाद कार थीफ में और फिर 1988 की फिल्म मैंने तेरे लिए में। बहुत जल्द इन्हें यह एहसास हो गया था कि फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर ये ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। धीरे धीरे ये एक्टिंग से दूर हो गए, लेकिन अपने पिता की कंपनी नवकेतन फिल्म्स के साथ जुड़े रहे और आज ये नवकेतन फिल्म्स को ही चलाते हैं। इनके माता पिता दोनों ही अपने जमाने के मशहूर अभिनेता और अभिनेत्री रहे। कल्पना कार्तिक ने भी कई फिल्मों में काम किया था। यकीनन सुनील आनंद फिल्मों से भले ही जरा दूर हो गए हों, लेकिन अपने पिता की विरासत के जरिए ये फिल्मों का हिस्सा आज भी हैं। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।